तूने ये गुंडे इसलिए पाले हैं ताकि तेरे काम के बीच आने वालों की कब्र खोद सके। इनकी तो खुद कब्र खोद गई, बेहतर होगा तू भी खिसक ले। दो मिनट का टाइम देता हूं, अपने ट्रक टेम्पो क्रेन साइड से हटाओ और दफा हो जाओ। आउट। यहां पे आनंद कौन है? वो रहा। तुझे हमारे साथ जनता घर आ जाना होगा, अभी चल। लेकिन क्यों? सत्यम भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुम्हें यहां अपने बेटे की वजह से नहीं बुलाया, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि तुमने उन्हें क्यों पीटा। आपने अपने बेटे से नहीं पूछा? उसने गलती की, जब मैंने टोका तो एक और गलती की, इसीलिए उन लोगों को मारा। मैंने आपके बारे में काफी सुना है, सिर्फ अच्छी बातें, पर आपके बेटे में 1% अच्छाई नहीं है। जनता गराज, यहां हर चीज की मरम्मत होती है, यह तो अच्छी बात है, पर आपके बेटे को भी थोड़ी मरम्मत चाहिए। मुझे आप पर बहुत विश्वास था, इसीलिए आपसे मिलने आया। शायद आप जानते नहीं कि बाहर आपका बेटा क्या कर रहा है, और अगर सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपके और जनता गराज दोनों के स्पेयर पार्ट ठीक कर दूंगा। अब मैं चलूं? आपके बेटे की तरह एक और लड़का है, उसे भी रिपेयरिंग की जरूरत है। यहां से आपकी एक अच्छी छवि लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आपने इस पेड़ को संभाल के रखा है। यह सिखाता है कि भले ही आपकी शाखाएं कट जाएं, आपको ऐसे ही मजबूत खड़े रहना चाहिए। आने की कोई खास वजह? बस एक छोटा सा काम था। ठीक है सर, मेरे क्लास का वक्त हो गया, मैं चलता हूं। ओके। आनंद, कुछ मदद मांगने आया हूं। हमसे किसी इंसान की तकलीफ सहन नहीं होती, पर तुम तो एक पेड़ या पौधे तक की जान से ज्यादा परवाह करते हो। तुम्हारा दिल बहुत नेक है। मेरी उम्र तो बीत गई, मुश्किल में पड़े लोग मेरे पास मदद मांगने आते थे, पर आजकल कोई नहीं आता ताकि मुझे परेशानी ना हो। मेरा दिल तो आम लोगों के लिए धड़कता है, इसलिए उनका दर्द मुझे अपना लगता है। और जानते हो, तुम्हारी उम्र में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था।
मुझे यकीन है कि तुम जनता गैराज की जिम्मेदारी निभाओगे। मैं अपने और तकलीफ में पड़े उन सारे लोगों की तरफ से तुमसे दिल से गुजारिश करता हूं, क्या तुम जनता गैराज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लोगे? इतना बता दूं कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। जनता गैराज को अब अपने नए मसीहा का इंतजार रहेगा। मेरे बहनोई नमस्ते। नमस्ते। मेरी भांजी और उसके होने वाले पति। हाय हाय। ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्ते। विनोद मेरे गैराज का अकाउंट्स देखता है। मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी, इन दोनों को मेरे एक दुश्मन ने बेरहमी से मरवा दिया था। Nothing personal, bro. Raghu. मेरी बहू। नमस्ते। Hi. मुझे कहीं जाना है। Got to rush. Bye, honey. Bye. जनता गैराज में अपने अपने दर्द लेकर लोगों को आए हुए एक अरसा हो गया है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि जनता गैराज के दरवाजे अब उनके दुख और तकलीफ में बांटने के लिए फिर से खुल गए। अंत से ही शुरुआत करेंगे। वो शख्स कौन था जिसे जनता गैराज से खाली हाथ लौटना पड़ा? मेरा नाम विकास है सर। स्टेट बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिसर हूं। हम नई बनने वाली बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर अप्रूव करते हैं, और अगर लेआउट रूल के हिसाब से ना हो तो हम परमिशन नहीं देते। हाल ही में कुछ लोग हॉस्पिटल की परमिशन लेने हमारे ऑफिस आए थे, पर सर उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने मना कर दिया, उन्होंने जबरदस्ती की। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर साइन हरगिज नहीं करूंगा। फिर मेरे ऑफिस के कलीग से उन्होंने मेरे घर का एड्रेस निकलवाया और उन्होंने मेरी पत्नी को धमकी दी। मैंने आज तक आपके काम में कोई दखल नहीं दिया, ना ही आपसे कभी कुछ पूछा, पर आपके ऑफिस में आजकल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे घर में भी तनाव का माहौल है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी पत्नी बच्चों की दुहाई देकर मुझसे कहती है कि मैं पेपर्स पर साइन कर दूं, पर नहीं, मुझसे ये गलत काम नहीं होगा सर। वो लोग कहते हैं कि अगर मैंने पेपर साइन नहीं किए तो वो मेरी फैमिली को एक एक करके मार डालेंगे। कल फाइल साइन करने का लास्ट डे है और तुम हमसे आज मिल रहे हो। अगर हम तुमसे आज के बजाय कल मिलते तो क्या होता? तब भी मैं साइन नहीं करता सर, बल्कि मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि ऑफिस जाते वक्त मैं सुसाइड कर लूंगा।
अब ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये जनता गराज की लड़ाई है। कल का दिन हमारा होगा। अभी ऑफिस ही जा रहे हैं, जाके तुरंत साइन कर देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये साइन नहीं करना चाहते और करेंगे भी नहीं, यहां तक कि इन्होंने सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली है। इनकी तरह बनना बहुत मुश्किल है, ये लाखों नहीं करोड़ों में एक है। मैंने यहां आपके बगीचे में एक पौधा देखा, बहुत खूबसूरत था, आपने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ये उस पौधे की तरह निर्मल और सच्चे हैं, इनकी ताकत बनी है कमजोरी नहीं। ये हमारे जनता गराज का फोन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक फोन। और ये मत सोचिए कि हम शहर से दूर हैं, हम सब आपके बहुत करीब हैं। आपके और खतरे के बीच की दीवार हैं हम। चले विकास।